given number. Clear? So what it is it? Any of the numeral from 0 to 9, especially when forming part of a number. यहाँ पर देख रहे हैं हम 0 to 9 को number नहीं कह रहे हैं, numerals कह रहे हैं. Initially, जब हम 0 to 9 की बात करते हैं, तो firstly they stands for digits, single digit numbers. और जब हम number की बात करते हैं, तो इनको हम single digit number कहते हैं. तो हम digit के sense में जब introduce करते हैं, then it calls numerals. तो बात आती है कि हम इसको किस प्रकार से समझें. So 0 to 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 are known as one-digit numbers. यानी numerals तो हैं ही, digits तो हैं ही, लेकिन अगर हम जब number के sense में बात करेंगे, संख्याओं के रूप में उन्हें देखते हैं, तो they are called one-digit number, यानी एक अंक की संख्या. अब इनके combination के साथ हम और भी कई प्रकार के number बना सकते हैं. Just like 12, 235, 4,515 are known as 2, 3 and 4 digit numbers. And similarly, we can find so many numbers by making different combinations between numbers from 0 to 9. Ye number aapas mein repeat bhi ho sakte hain, jaise aap dekh rahe hain 4, 5, 1, 5. Isme 5, 2 times aapka repeat ho raha hai. So, ab yahan par jab humne 1 digit number dekha, 2 digit number dekha, 3 digit number dekha, to yahan par ek nayi cheez samajh mein aati hai, ki agar maine likha hai 4, 5, 1, 5, to yahan par 5 do baar aaya. तो पहले वाले पांच को क्या कहेंगे, बाद में आने वाले पांच को क्या कहेंगे. या अगर मैं कह रहा हूं 12 और एक दूसरा नंबर कह रहा हूं 21, तो 12 और 21 में 2 और 1 की पोजीशन क्या है, इनको कैसे डिफाइन करेंगे. तो इस प्रॉब्लम को हम समझते हैं प्लेस वैल्यूज. सो द नेक्स्ट थिंग इज प्लेस वैल्यू ऑफ अ नंबर. तो इसको हम संख्या मान कहते हैं, हिंदी में कहते हैं संख्या मान. सो प्लेस वैल्यू इन मैथमेटिक्स डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर. Each digit has some value in the number depending upon its position. इसको इसी प्रकार से देखते हैं कि तीन बच्चों को हमने एक साथ बैठाया, तो हम कहेंगे एक पहली पोजीशन पर है, एक दूसरी पोजीशन पर, एक तीसरी पोजीशन पर है. तो हम उनको किस डायरेक्शन से देख रहे हैं इस पर भी डिपेंड करता है. अगर मैं उनके सामने खड़ा हूं, तो मैं अपने राइट हैंड की तरफ से काउंट कर रहा हूँ या लेफ्ट हैंड की तरफ से काउंट कर रहा हूँ. तो इस चीज को हम जनरलाइज नहीं कर पा रहे. तो हम इसको जनरलाइज कैसे करते हैं मैथमेटिक्स के सेंस में. So when a number is represented in the general form, the position of each digit will be expanded. This position starts from a unit place or ones position. The order of place value of digit in a number from right to left. मैंने वही आपसे कहा अभी कि हम उसको किस प्रकार से define करें. तो हम जब place value की बात करते हैं, तो हमेशा हम right to left उसको count करते हैं. Right to left is ones, unit, tens, hundred, thousands, 10,000, 100,000 and so on. तो इस प्रकार से हम प्लेस वैल्यू को यहां पर समझते हैं. अब हम इसको कुछ उदाहरण की सहायता से देखते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव फोर टाइप ऑफ डिफरेंट नंबर्स. सबसे पहले अगर मैं 12 की बात करूं, तो मैं 12 को लिख सकता हूं 10 प्लस 2. क्लियर. नाउ 10 कैन बी रिटन एज 1 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1. अब मैं इस प्रकार से क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि जो 1 है, ये वन आपको बताता है वंस की पोजीशन, यानी इकाई, हिंदी में हम कहते हैं इकाई का स्थान. और जो टेन है, ये आपको बताता है टेंस की पोजीशन, यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं दहाई, दहाई का अंक. तो अगर किसी अंक संख्या के साथ टेन मल्टीप्लाई किया गया है, इसका मतलब वो दहाई के स्थान पर है, टेंस की पोजिशन पर. इसी प्रकार से अगर मैं 21 की बात करूं, तो इट विल बी रिटर्न एज 20 प्लस 1, मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1. अब आप देख रहे हैं कि अगर मैं पहले एग्जांपल से कंपेयर करूं, तो अब 1 आपका वंस की पोजीशन पर आ गया है और 2 आपका टेंस की पोजीशन पर आ गया है. ये कैसे पता चल रहा है, क्योंकि 1 के साथ 1 को मल्टीप्लाई किया गया है, सो इट स्टैंड्स फॉर वंस, और 2 के साथ 10 को मल्टीप्लाई किया गया है, तो इट स्टैंड्स फॉर टेंस. तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि 12 में 2 वंस की पोजीशन पर है और 1 टेंस की पोजीशन पर है, 21 में 1 वंस की पोजीशन पर है और 2 टेंस की पोजीशन पर है. तो इस तरीके से हम प्लेस वैल्यू को डिफाइन करते हैं. एक एग्जांपल और हम यहां पर देखते हैं. सो इट विल बी रिटन एज 1000 प्लस 200 प्लस 30 एंड प्लस 1. अब मैं अगर इसको और डिस्क्राइब करके लिखूंगा, सो 1 इज मल्टीप्लाइड विद 1000 प्लस 2 मल्टीप्लाइड विद 100, 3 मल्टीप्लाइड विद 10 एंड 1 मल्टीप्लाइड विद 1. कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी प्रश्न आ सकता है कि ये कितने जीरो हम ले रहे हैं, ये कैसे काउंट हो रहा है. तो ये डिपेंड करता है कि जो आपने नंबर लिया है उसके आगे कितनी संख्याएं बची हैं. तो यहां हम देख रहे हैं कि 1 के आगे 3 संख्याएं बची हैं.
तो उन तीन स्थानों पे हमने तीन शून्य लिए, फिर दो के आगे दो संख्याएं बची तो उनके स्थान पर हमने दो शून्य लिए, तीन के आगे सिर्फ एक अंक है तो उसके स्थान पर एक शून्य लिया, और वन के बाद कोई अंक नहीं है इसलिए उसको हमने सिर्फ वन से मल्टीप्लाई किया। तो इस प्रकार से हम 1, 2, 3, 1 को डिस्क्राइब कर पाते हैं। इस चैप्टर में आप कुछ मिसिंग नंबर्स भी पढ़ेंगे जहां पर अल्फाबेटिकल टर्म्स यूज किए जाते हैं, ए बी सी एक्सेट्रा, तो उसी सेंस में हम इसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये लिखा होगा ए मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई 10 एंड प्लस सी। तो अगर मैं ए बी सी को एक नंबर की तरह कंसिडर करता हूं, सो आई कैन से सी इन द पोजिशन ऑफ वंस, बी इन द पोजिशन ऑफ टेन्स एंड ए इन द पोजिशन ऑफ 100। तो इस प्रकार से हम प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ये प्रीरिक्विजिट पार्ट था, ये आपने काफी पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, और चूंकि इस चैप्टर को समझने के लिए जरूरी था इसलिए हमने इसको एक रिवीजन के पार्ट पे भी लिया, और आपको चैप्टर में भी ये काफी अच्छे तरीके से दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि टाइप ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, डिजिट्स क्या होते हैं, प्लेस वैल्यू क्या होती है, ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स लूंगा। तो एक यहाँ पर आपके पास कंडीशन है अकॉर्डिंग टू ए चैप्टर, लेटर्स और डिजिट। जैसा मैंने कहा कि कुछ ऐसे सवाल आप देखेंगे जहां पर संख्याओं के स्थान पर आपको अल्फाबेट्स मिलेंगे। सो हियर वी हैव पजल्स इन विच लेटर्स टेक प्लेस ऑफ डिजिट्स इन अरिथमेटिक क्वेश्चन सच एज फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन वेयर द प्रॉब्लम इज टू फाइंड आउट विच लेटर रिप्रेजेंट्स विच डिजिट। एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, 3 + a = 8। तो यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि मैं 3 में क्या ऐड करूं कि मुझे 8 मिल जाए, तो मुझे a के लिए वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको बहुत सिंपली काउंट करके देख सकते हैं कि अगर मैं 3 में 1 प्लस करूंगा तो 4 आएगा, 2 प्लस करूंगा तो 5 आएगा, ऐसे ही मैं जब बढ़ता जाऊंगा मैं 5 पर पहुंचूंगा, व्हेन आई ऐड 3 + 5 सो इट विल रिटर्न 8। तो हम यहाँ पर समझ पाते हैं कि व्हेन 3 विल बी एडेड विद 5 सो आंसर विल बी 8, इट मींस The value of a is 5। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे पता किया कि जो a का मान होगा वो कितना होगा, 5 होगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल था, और इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं। फाइंड q इन द एडिशन। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर एक नंबर है जिसमें वंस की पोजिशन पे q लिखा हुआ है, और एक उसके नीचे दूसरा नंबर है जिसमें टेंस की पोजिशन पे q लिखा हुआ है। ओके, so now find q in the addition, so we have to find out q plus 3। तो q plus 3 से मैं यहाँ पर क्या ले लूँ कि मुझे उसका जो आंसर मिलेगा उस यहाँ पर आपको सिमिलर काइंड ऑफ वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं q आपका दो जगह पर आ रहा है, एक बार वंस की पोजिशन पे आ रहा है और एक बार टेंस की पोजिशन पे आ रहा है। सो इफ आई कंसिडर हेयर q प्लस 3 it is 8, जी, so it is 501, clear, the answer of the question is 501, so we have to find out 501, so मैं in place of q क्या consider करूं कि मुझे उसको add करने पर 3 के साथ add करने पर 1 मिले। तो एक बहुत छोटी सी बात जो दिमाग में आती है वो ये कि 3 तो 1 से बड़ा होता है, तो ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं हो सकता कि जिसको मैं 3 से ऐड करूं तो मुझे रिटर्न में 1 मिले। तो एक चीज तो मुझे ये क्लियर हो गई कि जो नंबर मैं ऐड करूंगा उससे मुझे ओनली 1 तो नहीं मिलेगा। तो मुझे एक चीज ये समझ में आती है कि जो मैं नंबर मुझे रिटर्न मिलेगा उसके वंस पोजिशन पे 1, तो उसके टेंस पोजिशन पे कुछ और आएगा। तो ऐसा मुझे एक नंबर पॉसिबल सोचना है जिसको मैं 3 से ऐड करूं तो मुझे वंस की पोजीशन पर मुझे 1 मिल जाए। तो मैं अगर मैं 3 में ऐड करना शुरू करता हूं, तो अगर मैं 3 में 4, 5, 6 ऐड करता जाऊं तो मुझे 3 + 4 = 7, 3 + 5 = 8, 3 + 8 जो है तो 11। तो अब जैसे मैंने 3 में 8 ऐड किया तो मुझे रिटर्न मिला 11। तो अब मुझे दिख रहा है कि मुझे वंस की पोजीशन पर 1 मिल गया, यानी 3 के पास बेस्ट पॉसिबल जो डिजिट था नियर बाई वो 11 था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये q जो आपका नंबर है ये 8 हो सकता है। अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि है, आगे हम इसको चेक करते हैं कि ये पॉसिबल होता है कि नहीं। तो अगर मैंने 3 में 8 ऐड किया तो मुझे मिला 11, सो 1 विल बी एज अ कैरी फॉरवर्ड। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि अब मुझे यहां पर रिजल्ट में 0 आना चाहिए। तो अगर मैं q को 8 कंसिडर कर रहा हूं तो यहां पर भी सेम 8 ही आएगा,
तो अब मैं देखूं कि ये पूरे कट सम जीरो आता है क्या वंस की पोजीशन में, सो 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10, यानी इसका रिजल्ट आपको मिलेगा 10। तो आप देख रहे हैं कि वंस की पोजीशन पे आपको जीरो मिल रहा है, यानी क्यू आपका 8 पॉसिबल हो सकता है। और अगेन आपको फिर 1 मिला जो आपको कैरी फॉरवर्ड हुआ, तो 3 प्लस 2 इज 5। तो इस प्रकार से ट्राइंग मेथड से आपने यहां से देखा, ट्रायल एंड एरर मेथड से आपने चेक करके पता किया कि जो आंसर ऑफ क्यू है दैट इज 5। सो इट इज q इज इक्वल टू 8। सो आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 501 वेयर q स्टैंड्स फॉर 8। तो ये छोटा सा एग्जांपल यहां पर हमने कंसीडर किया है। इसी तरह से हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, फाइंड a इन द एडिशन। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि a प्लस a प्लस ए इज इक्वल टू आपको 3 टाइम्स ए को ऐड करने पर मुझे ए आता है। तो ये एक यहां पर एक प्रॉब्लम ये निकल कर आती है कि ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है जिसको मैं 3 टाइम्स ऐड कर रहा हूं और रिटर्न में मुझे वही नंबर मिल रहा है। तो सबसे पहले हम जो ये नंबर जानते हैं वो होता है 0। अगर मैं 0 प्लस 0 प्लस 0 करूंगा तो मुझे रिटर्न में 0 मिलेगा, उसको मैं कितने भी टाइम रिपीट कर सकता। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में अगर ये बी ऑप्शन न दिया गया होता, सपोज बी यहां पर नहीं होता, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट था। लेकिन चूंकि यहां पर बी भी है तो बी को हम रैंडमली कुछ भी तो इमेजिन नहीं कर सकते, तो इसका मतलब कि जीरो के बाद कोई ऐसा दूसरा नंबर हो सकता है जिसको हम 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो मुझे सेम वही नंबर रिटर्न मिलेगा। तो अब मैं सोचना शुरू करूं, अगर मैं 1 को 3 बार सम करूंगा तो मुझे 3 मिलेगा, 2 को सम करूंगा 6 मिलेगा, 3 को सम करूंगा 9 मिलेगा, 4 को सम करूंगा तो 12 मिलेगा, और 5 को सम करता हूं तो जब मैं 5 प्लस 5 प्लस 5 करता हूं तो ये मुझे मिलता है 15। तो मैं देखते हैं कि वंस की पोजीशन पे मुझे 5 रिटर्न आ गया, और मुझे वंस की पोजीशन पे ही 5 चाहिए था, और बी के लिए मुझे कितना आ गया, 1 आ गया। यानी इस क्वेश्चन में जो मेरा आंसर है दैट इज A for 5 and B for 1। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन में हमने अगेन ट्रायल एंड एरर मेथड से ये चेक किया कि A की वैल्यू 5 होगी और B की वैल्यू 1 होगी। सर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्रोग्राम वाइंड अप करने में हमारे पास 5 मिनट बचे हुए हैं। जी सर। ओके, अब हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड। So find A, B and C in the multiplication. So A, B multiplied by 3, answer is C, A, B. तो अब यहाँ पर हम अगेन वही बात आती है कि 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे वही सेम नंबर रिटर्न हो। तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट पॉसिबल है वो है 0। जब मैं 3 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे जो रिटर्न आएगा वो भी 0 ही आएगा, यानी जो मैं वैल्यू यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ इन प्लेस ऑफ बी वही सेम मुझे यहाँ पर भी रिसीव हो रही है। तो यहाँ पर मेरा पहला ऑप्शन हो सकता है 0। अब नेक्स्ट बात आती है कि मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे वंस पोजीशन पे सेम वैल्यू रिटर्न मिले। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, अगर मैं यहाँ पे 5 इमेजिन करता हूं तो 3 5 से आपको मिलेगा 15। सो इन प्लेस ऑफ ए हमको 5 मिल जाएगा और इन प्लेस ऑफ सी हमको 1 मिल जाएगा। सो आंसर विल बी 150। तो इस प्रकार से अगेन हमने यहाँ पे ट्रायल एरर मेथड से चेक किया कि जो आपको ए की वैल्यू है दैट इज 5, जो बी की वैल्यू है दैट इज 0, और जो सी की वैल्यू है दैट इज 1। इस प्रकार से हम यहाँ पर ए बी सी फाइंड आउट कर पाते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द सेशन, इफ ए बी मल्टीप्लाइड बाय 6 देन व्हाट विल बी द आंसर। हियर वी हैव 3 टाइम्स बी। सो 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे वापस बी में वही रिजल्ट मिलता है। तो अगर मैं यहां पर मैं शॉर्ट में इसको कंसीडर समअप करूंगा, अगर मैं बी की जगह 4 कंसीडर करता हूं तो 6 इंटू 4, 6 4 इज व्हाट 24। तो मैं यहां पर बी की पोजीशन पे मुझे कितना मिल गया, 4 मिल गया, एंड 2 आई हैव एज अ कैरी फॉरवर्ड वैल्यू। नाउ अब मुझे 6 में ए से कंसीडर करना है और ऐसी वैल्यू लानी है जिसको मैं 2 के साथ ऐड करूं तो मुझे 2 टाइम्स बी की वैल्यू के बराबर मिलना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 7 कंसीडर करता हूं सो आई नो दैट 6 7 जा 42 एंड 42 प्लस 2 विल बी 44 मींस 2 टाइम्स 4। सो अगेन आई हैव द आंसर 444। सो बाय दिस वे आई कैन फाइंड आउट दैट ए इज इक्वल टू 7 एंड बी इज इक्वल टू 4। सो दिस इज द ट्रायल एंड एरर मेथड एंड वी कैन फाइंड आउट द rest of the way. So this is the complete for the today's session.
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर इन्फॉर्मेटिव सेशन. और डियर लर्नर्स, हम बात कर रहे थे प्लेइंग विद नंबर्स पार्ट वन, इस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे. धीरेंद्र सर, आपने हमारे स्टूडेंट्स को इतने अच्छे से जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. थैंक यू सर. और डियर लर्नर्स, इट्स टाइम फॉर मी टू वाइंड अप दिस सेशन, पर आप बने रहिए पीएमए विद्या चैनल के साथ, क्योंकि हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं. ब्रेक के बाद अपने एक और लाइव फोन इन प्रोग्राम के साथ हम हाजिर होंगे. आप बने रहिए हमारे साथ. और जाने से पहले मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूं. अब से थोड़ी देर में हम वेबिनार सेशन लेकर आएंगे, जहां पर हम बात करते हैं एक आईसीटी टूल पर, और उसके ठीक बाद यानी कि 5 बजे का सेशन रहेगा सहयोग सेशन, जिसमें हम बच्चों के एडोलेसेंट के मेंटल वेलबींग पर बात करते हैं. वो भी एक खास सेशन है, आप सभी का पार्टिसिपेशन उसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है. तो आप सब इन सभी सेशन में पार्टिसिपेट ज़रूर करें. ये प्रोग्राम खास तौर पर आपके लिए हम लेकर आते हैं, जो कि फ़ोन इन प्रोग्राम्स हैं, ताकि आप हमें फ़ोन के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से या फिर यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़ें और अपनी क्वेरीज़ का सोल्यूशन आप हमसे पाएँ. तो अभी फ़िलहाल मुझे रेणु भट्ट को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए पीएम ई विद्या चैनल के साथ. नमस्कार.